तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल के अंदर। आज मैं आप लोगों को रिले को किस तरीके से Arduino बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है यह बताऊंगा। यह देखिए दोस्तों, यह है मेरे पास एक Arduino का, यह है मेरे पास एक रिले का, चार रिले का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर मैं चार AC डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी डेमो के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर केवल एक ही AC डिवाइस जो कि ये फिलिप्स की एक ट्यूबलाइट है, इसको मैं आप लोगों को इसके साथ Arduino बोर्ड के साथ जला करके दिखाऊंगा। और इसी प्रकार आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो भी आपके घरों में हैं, जैसे कि पंखे, फ्रिज, AC, कूलर, कुछ भी, आप इस रिले की मदद से इस Arduino बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसे ऑटोमेटिक बना सकते हैं। दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छी स्किल है जिसको अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपना ही कोई काम करना चाहते हैं तो आप इस Arduino बोर्ड की मदद से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को स्मार्ट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह Arduino बोर्ड के साथ किस तरीके से रिले को कनेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो यह रिले मार्केट में आप लोगों को इसका एक सिंगल पीस का भी, सिंगल रिले का मॉड्यूल भी मिलता है और डबल का भी मिलता है या फिर चार का मिलता है। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको रिले मॉड्यूल के अंदर आपको यहाँ पे एक तरफ कनेक्शन और एक तरफ नो कनेक्शन वायर दिखाया गया होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक वायर नो कनेक्शन जोन में लगाना है और दूसरा वायर इसके साथ मिडल में लगाना है। अब आपको जो मिडल में वायर है उसको इस प्लग के एक इनपुट में देना है और जो इसका नो कनेक्शन का वायर है उसको AC बल्ब के किसी भी एक टर्मिनल में दे देना है। दोस्तों AC जो है वह AC में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए आप किसी भी टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो इस होल्डर का दूसरा कोना है उसको आपको इस प्लग के अंदर देना है। तो इस प्लग के अंदर आपके दो वायर्स जाएंगे, एक तो आपके बल्ब में से और दूसरा आपके रिले के अंदर से। और जो इसका नो कनेक्शन वाला वायर है जो कि यहाँ से अगर काउंट करें तो पिन नंबर 3 है, उसको आपको इस बल्ब के अंदर देना है। और जो पहला वायर है उसको आपको AC मेंस के अंदर देना है। इसका जो बीच वाला वायर है इसको आपको बल्ब के अंदर देना है और जो इसका कोने वाला वायर है इसको आपको AC स्विच के अंदर देना है। तो दोस्तों ऐसा करने से यह रिले का कनेक्शन पूरा हो जाता है। अब रिले को Arduino बोर्ड के साथ कैसे जोड़ें, देखिए इसके लिए क्या करना है। आप यहाँ पर रिले के अंदर सारे पिन्स के बारे में मेंशन्ड है, ग्राउंड, VCC और इनपुट चैनल 1, 2, 3, 4। इन वन ये मॉड्यूल 1 के लिए है, इन टू यह मॉड्यूल 2 के लिए है, इन 3 मॉड्यूल 3 के लिए है और इन 4 मॉड्यूल 4 के लिए है। तो आपको करना क्या है कि इन सबको जैसे जैसे इसमें दिया गया है उसी तरीके से इसे Arduino बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए इसकी कनेक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों इसके लिए फिर मैं ब्रेडबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। आपको लोगों को करना क्या है, सबसे पहले ब्रेडबोर्ड के ऊपर कॉमन VCC और ग्राउंड बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ब्लैक वायर से ग्राउंड और ऑरेंज वायर से VCC बना रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं Arduino बोर्ड के ग्राउंड और VCC में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यह देखिए इसको मैंने Arduino बोर्ड के ग्राउंड पे और 5 वोल्ट की VCC पे कनेक्ट कर दिया। यह देखिए दोस्तों यह 5 वोल्ट जो ऑरेंज वायर है यह मैंने 5 वोल्ट पे और ब्लैक वायर है इसे मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। अब आप लोगों को करना क्या है इन सभी, और अब आपको जो रिले का VCC है और ग्राउंड है उसको आपने रिले के VCC और ग्राउंड को सबसे पहले बोर्ड के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। तो यह देखिए यह रिले का ग्राउंड है, तो मैं इसे यहाँ पे अपने कॉमन ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और रिले का जो VCC है उसको मैं यहाँ पर VCC के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यह देखिए यह कनेक्शन हमारे पूरे हो गए। अब हमें Arduino बोर्ड के साथ रिले के कनेक्शंस को करना है। तो चलिए अब इसको करके दिखाते हैं आपको। अब आपको पिन नंबर जो चैनल 1 है उसको आपको चैनल 1 को आपको
छः नंबर पिन से कनेक्ट करना है। चैनल एक को आपको कोडिंग के हिसाब से छः नंबर पिन से कनेक्ट करना है, तो मैं इसे छः नंबर पिन से कनेक्ट कर रहा हूँ। छः नंबर पिन से देखिए दोस्तों, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार इसे अगली पिन चैनल नंबर दो को मैं सात नंबर पिन से कनेक्ट कर रहा हूँ। यह देखिए, मैंने इसे सात पिन नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से अगली दो वायर्स जो हैं उसको मैं आठ और नौ से कनेक्ट कर रहा हूँ। यह देखिए, मैं इसे आठ और नौ पिन से कनेक्ट कर रहा हूँ। यह है आठ नंबर पिन है और यह है नौ नंबर पिन है। दोस्तों, इसके कनेक्शन बहुत ही आसान है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोग्राम का लिंक आप लोगों को दे दूंगा, जिससे कि आप इसको बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। यह देखिए, यह सर्किट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, जो यह सॉकेट है, इस सॉकेट को सबसे पहले आप पावर सप्लाई के साथ लगा दीजिए और इसको ऑन कर दीजिए। अब इसको ऑन नहीं कीजिएगा, पहले सबसे पहले आप क्या करिए, आप आर्डिनो बोर्ड के अंदर कोडिंग को फिट करना है हमने। तो चलिए, इस कोडिंग को फिट करने के लिए सबसे पहले आर्डिनो को इस बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर प्रोग्राम ऑलरेडी डला हुआ है, तो मे बी ये पहले से ही चलना शुरू कर दे। देखिए, यह डालते ही, क्योंकि अभी पावर सप्लाई ऑन नहीं है, तो अभी इसके अंदर कुछ भी ऑन नहीं हुआ। अब आप इसको यहाँ से पावर सप्लाई को ऑन करिए। पावर सप्लाई को ऑन करके देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर कोड को डाल रहा हूँ। देखिए, यह मेरा कोड है। इस कोड को सबसे पहले हम कंपाइल कर रहे हैं और कंपाइल करके इसको बर्न कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही मैंने इस कोड को बर्न किया, यह देखिए रिले एक्टिवेट हो गया। यह देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इसके अंदर यह प्रोग्राम फिट किया, तो यह ट्यूबलाइट जलने शुरू हो गई। यह देखिए, जैसे अब मैं इसके लिए, यह प्रोग्राम मैं आप लोगों की सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए, अगर हम इसके प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं इस डिले को 2000 से कम करके 1000 करता हूँ और इसको प्रोग्राम के अंदर दोबारा सेव करता हूँ, तो यह देखिएगा, यह बल्ब अब जल्दी जल्दी जलना शुरू करेगा। यह देखिए। तो इसी प्रकार आप किसी भी डिवाइस को रिले के साथ कनेक्ट करके आप जला सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी, और आप लोगों को एक इसके साथ एक प्रिकॉशन के तौर पर एक मेरी तरफ से वार्निंग है, आप लोग इसे सभी बहुत ही सावधानी के साथ प्रयोग में लाइएगा, क्योंकि यह एसी सप्लाई है और यह एसी सप्लाई आप लोगों को पता होगा कि इसका बहुत ही भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अगर आपने इसकी लाइव वायर को टच कर दिया, तो यह आपको बहुत तेज झटका भी दे सकती है। तो इसके लिए आप प्रॉपर इंसुलेशन अपनी बॉडी का, रबड़ की चप्पल पहनकर और ग्लव्स पहनकर ही इसको इसके साथ प्रयोग करिएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी, और इसी प्रकार की और इनोवेटिव वीडियो के देखने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।